Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel AU Life in Scotland. Hope you all are doing good. Alhamdulillah, we are fine too. और आज ही हमारा ईद का सेकेंड डे है और हम बच्चों को लेके की आए हैं बिकॉज हमारा प्रोग्राम था आज का कि हम लोग बॉलिंग पे चलेंगे बच्चों को लेके और होपफुली मैं अब आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि हमें जो है वो जगह मिली या नहीं मिली बिकॉज एवरीवेयर जो है वो सब कुछ बुक था, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स भी टोटली बुक थे और जो है नाउ फाइंड आउट कि हमें अब आगे जो है वो जगह मिलती है या नहीं मिलती. बॉलिंग के लिए हम पता करने के लिए गए अंदर तो उन्होंने कहा जी कि बहुत ज़्यादा बुकिंग है तो अभी कोई स्पेस नहीं है, तो हमने सोचा हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि उतनी देर ऐसा करते हैं कि बच्चों को बाहर से जो है वो राउंड लगवा लाते हैं. तो यहाँ पे हम SECC के पास से गुजर रहे थे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी किस तरह क्यू लगी हुई थी बाहर तक ना, और हर तरफ ही जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी था. अभी हम वर्ल्ड बुफे के पास से भी जो है वो गुज़रे और वहाँ पे भी जो है वो बाहर तक क्यूब में लोग लगे हुए थे जो है वो अंदर एंट्री के लिए. बट आई डोंट नो, इतना ज़्यादा सर्दी हो रही थी इस दिन कि जो है बहुत ज़्यादा चिल्ड वेदर था और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी लोग जो है वो फूड के लिए और अपनी इंजॉयमेंट के लिए बाहर तक क्यूज़ लगा के खड़े हुए थे. वी वर थिंकिंग कि बच्चों को कहीं पे लेके जाके कुछ खिला देते हैं, मे बी जो है वो थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा और वी गेट द स्पेस देयर. और लेकिन जो है वो हम काफ़ी लेट निकले थे घर से और बच्चों का भी कुछ भी खाने का मूड नहीं हो रहा था. सो फाइनली हमने सोचा कि नहीं, अभी नहीं डिनर करते. तो हम वापस की जा रहे थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं ब्रिज से गुजरते हुए कितना कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर सन. की में हम एंटर हो चुके हैं और बहुत ही मुश्किल हो रहा था पार्किंग भी ढूंढना. और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ लोग कैसे जो है वो ईद के लिए तैयार होकर आए हुए हैं यहाँ पे. ये देखें ज़रा, माशाल्लाह से सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ईद को लेके. कई लोगों ने जो है वो फ्राइडे की ईद की थी और कई लोगों का जो है वो सैटरडे को फर्स्ट डे था, जबकि हमारा जो है वो सैटरडे को सेकेंड डे था ईद का बिकॉज हमने जो है फ्राइडे की ईद की थी. एंड अब जो है वो हम यहाँ पे जो है पार्किंग भी ढूंढ रहे थे साथ साथ. और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये चाय वाला जो है वो, मुझे यहाँ की जो है चाय बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं जब भी यहाँ पे की जाती हूँ मैं यहाँ की चाय ज़रूर पीती हूँ, लेकिन जो है मुझे यहाँ का फूड कुछ इतना ख़ास नहीं लगता. आई डोंट नो वाई, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है लोग, बट यहाँ पर जाके ज़रूर ट्राई करते हैं. ये देखें जी हॉलीवुड बॉल, हमने यहाँ पर जाना है बॉलिंग के लिए. एंड मैं अब आपको यहाँ पर अंदर जाके दिखाती हूँ. जैसे ही जो है वो हमें यहाँ पे पार्किंग मिलेगी तो उसके बाद जो है वो हम उधर जाएंगे और होपफुली वी गेट द स्पेस देयर. मैं आपको अंदर जाके बताऊँगी. यहाँ पे हम जो है हॉलीवुड बॉल के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं किड्स वाज रियली सैड एट दैट टाइम बिकॉज हमने बहुत ट्राई किया, काफ़ी देर वेट भी किया और दोबारा आने के बाद भी जो है वो हमें यहाँ पर बॉलिंग के लिए स्पेस नहीं मिल सकी. एंड किड्स वाज रियली सैड और हम लोग यहाँ पर चाह रहे थे कि वाई डोंट दे ट्राई सम गेम्स एंड स्टफ़, बट उनका बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था बच्चों का. वो कह रहे थे जी हमने तो ये यस्टरडे किया था, हम लोग दूसरी जगह पे गए थे आर्केड में और वहाँ पे हमने गेम्स प्ले की थी. सो इनका बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था गेम्स प्ले करने का.
और यू नो किड्स की वजह से पेरेंट्स भी सैड हो जाते हैं। तो ये देखें जी, ये है मेरा सेकंड डे ईद का ड्रेस, और मैंने अपनी जो है वो डॉटर के साथ मैचिंग की थी आज सेकंड डे में। और यहाँ पे जी फाइनली किड्स मान गए थोड़ी देर के लिए गेम प्ले करने के लिए, और ज़्यादा गेम्स तो नहीं इन्होंने प्ले की, जस्ट 2 गेम्स विज़िट की थी, और वो भी जो है वो गन्स और शूटिंग से रिलेटेड गेम्स थी। फाइनली हम डिनर के लिए चैप्टर 4 आ गए, एंड इट्स एन इटालियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे भी हमने टेबल ऑफ 4 के लिए पहले बुकिंग के लिए कॉल की थी, बट तब उन्होंने कहा था कि हम लोग फुली बुक्ड हैं एंड देयर इज़ नो प्लेस, और बट हम लोग की में ही मौजूद थे, तो हम लोग वॉक इन करके जब अंदर आए तो हमें जो है वो प्लेस मिल गई। और फाइनली जो है वो हमारा ये डिनर का प्रोग्राम जो है वो ख़राब नहीं हुआ, एंड किड्स जो है वो यहाँ पर आकर इंजॉय कर रहे थे, ये आपको नज़र आ रहा होगा रन अबाउट करते हुए। और हमने जो है वो यहाँ पर डिनर में पास्ता ऑर्डर किया था, इट्स एन कैरिबियन पास्ता, और जो है गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व होता है, और साथ ही जो है वो साइड्स में हमने कोल्सलॉ ऑर्डर किया था, और ये जो है वो फुल चिकन प्लेटर ऑर्डर किया था, और इसके साथ जो है वो हमने फ्राइज़ में जो है वो चीज़ी फ्राइज़ ऑर्डर किए थे किड्स के लिए। और यहाँ पे जो है वो फुल प्लेटर के साथ 3 साइड्स अवेलेबल थी, तो इसलिए हमने 2 साइड्स में गार्लिक ब्रेड ऑर्डर कर ली, और साथ जो है वो फ्राइज़, और उसके साथ जो है वो कोल्सा ऑर्डर कर लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने अपना डिनर काफ़ी इंजॉय किया, और बच्चों ने भी जो है वो सुकून से बैठ के खाना खा लिया। सबसे बिग ब्लेसिंग आई थिंक सो पेरेंट्स के लिए यही होती है जब बच्चे कुछ खा लेते हैं। और यहाँ पर जो है मैं बच्चों की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, एंड होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन, अल्लाह हाफ़िज़।